नया चिकन सूप, बहुत जल्दी, बहुत सिंपल बनने वाला और इजी तरीके से और बगैर किसी सॉस के। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या किस तरह इतना सिंपल और इजी तरीके से बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चटपट बनने वाला मज़ेदार इजी चिकन सूप। सर्दी में बहुत ही मज़े का लगता है, बनाना बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बनाएंगे हम। ये मेरे पास 3 कप यखनी है जो चिकन डाल के मैंने उसकी बॉयल करके चिकन की यखनी बना ली है। चिकन को मैंने बॉयल करके गाल के हल्का सा शेड कर लिया है। काली मिर्च, अंडा और कॉर्नफ्लावर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टॉक जो चिकन का वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डालते, ये मैंने अभी अभी बनाया है। मैं इसमें कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे अब अक्सर नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो मैं सिर्फ वही बनाऊँगी जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत बच्चों को पसंद आएगा। इसमें हम कुछ और यूज़ नहीं करेंगे, ना कोई वेजिटेबल यूज़ करेंगे और ना ही कोई हम कोई यानी कि कुछ सॉस वगैरह यूज़ करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा बॉयल करते हैं। अभी गर्म था लेकिन फिर भी इसको एक दो जोश आ जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं। यखनी में मैंने 2 जगह बस लहसुन की और 1 इंच के करीब मैंने टुकड़ा अदरक का डाला था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था। आजकल सर्दी बहुत है और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चले, हमारी जो स्टॉक है चिकन का उसको जोश आ गया। अब हम इसमें अपना चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपका चटपट बनाने वाला चिकन बनने वाला बताऊंगी, तो ये इसीलिए बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें अपना नमक शामिल करते हैं। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मुझे मैंने थोड़ा सा उसमें रखने में भी डाला था, थोड़ा ही मैंने डाला। साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून में इसमें नमक काली मिर्च डालूंगी पीसी हुई। मैंने ये इसीलिए इतना सिंपल सा बनाया है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं लेते, सब्जियां वगैरह नहीं पसंद करते। हमने एक कटोरी ली, इसमें अपना कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें सिंपल सादा सा पानी डालते हैं ठंडा, इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाह, इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा, गाढ़ा सा, ये बैठ जाता है नीचे, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये कम लगे तो आप और भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि मैं सूप भी थोड़ा कम ही बना रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट डाला है, ये देखिए थोड़ा सा बैठते हैं थोड़ा। चलिए अब हम इसमें मिक्स डालते हैं अपने बिस्मिल्लाह। इसको साथ साथ हम मिलाएंगे ताकि ये नीचे ना बैठ जाए। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया। इसका मिक्स करती हूँ और साथ ही मैं अपना अंडा फेंट लेती हूँ। अंडा मैंने तोड़ लिया और फेंट रही हूँ। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, जितना अंडा फेंटेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। अंडे को जितना फेंटेंगे ये उतना अच्छा सूप बनेगा, ये भी एक ट्रिक है।
रॉन्ग क्वान्टिटी इतना। चले अब हम डालते हैं, अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ इसको हम हिलाते जाएंगे। ये देखिए सूप हमारा रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा चिकन सूप, सिंपल सा, जल्दी बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया सूप। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।